सगड़ा पुलिस ने गोरख गांव के एक शख्स से बरामद की 10 लीटर अवैध कच्ची शराब। गिरफ्तारी के बाद थाने से आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। सगड़ा पुलिस द्वारा गत रात्रि जयपाल नामक एक शख्स के घर से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी सगड़ा ने बताया कि हरिपुर धार उप तहसील के गांव गोरख के साथ लगती देवड़ी का नाला बस्ती के जयपाल पुत्र लगनू द्वारा उक्त शराब अपने घर में छुपा कर रखी गई थी। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर गत देर रात पुलिस द्वारा यह छापामारी की गई और काफी अरसे से आरोपी द्वारा अवैध शराब का धंधा किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार आरोपी को नियमानुसार पुलिस द्वारा थाने से ही जमानत पर रिहा किया गया। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले सगड़ा के पालर गांव में भी एक शख्स से पुलिस द्वारा कच्ची शराब बरामद की गई थी और सरकारी ठेकों में मौजूद शराब की कीमतें ज्यादा होना यहां अवैध शराब की भट्टियां लगने का मुख्य कारण समझा जाता है। हालांकि क्षेत्र में अब तक बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब मिलने के मामले सामने नहीं आए हैं। डीएसपी सिंगड़ा मुकेश कुमार डरवाल ने आरोपी जयपाल के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस बारे तहकीकात जारी है।